हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लिप शेड करके दिखाऊंगा बॉल पेन का यूज करके। लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको आईज और नोज को शेड करके दिखाया था बॉल पेन का यूज करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, दो पार्ट है। और थर्ड पार्ट में मैं आपको ओनली लिप शेड करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड कर रहा हूँ। पहले मैंने आईज की अपलोड की थी और उसके बाद मैंने रियल टाइम में आपको नोज शेड करके दिखाया था। अब मैं रियल टाइम में आपको लिप शेड करके दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लो। मैं बॉल पेन का ही यूज कर रहा हूँ और अभी तो मैं सिंपली लाइन्स लगा रहा हूँ इस तरह से, और नीचे वाले पार्ट में भी बस सिंपली हैचिंग ही करनी है इसमें भी। ऊपर वाले लिप तो काफ़ी डार्क हैं, तो इसमें हम प्रेशर का अप्लाई करके हैचिंग कर सकते हैं या फिर एकदम से डार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले लिप हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं। नीचे वाले लिप के लिए मैं सिंपली हैचिंग कर रहा हूँ इस तरह से लिप की डायरेक्शन में ही करना है ताकि 3D लगे। बीच में मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट है लिप में, जिससे काफ़ी 3D लगता है, तो इसमें इरेज तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने जगह छोड़ी है बीच में। और जो मैंने पहले हैचिंग की थी, अब मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हैचिंग कर रहा हूँ इस तरह से। सो हाईलाइट करने के लिए आप इस तरह से बीच में जगह छोड़ सकते हैं, इससे काफ़ी 3D लुक आता है और शाइन सा लगता है। तो हाईलाइट जरूर ड्रॉ करो और इनके लिए आप जगह छोड़ो अगर आप बॉल पेन का यूज़ कर रहे हो। अगर किसी सिंपल पेंसिल का कर रहे हो तो आप उसको इरेज कर सकते हो हाईलाइट्स करने के लिए, बट इसमें इरेज नहीं कर सकते हो, तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी जिस तरह से मैंने नोज़ में भी किया है। अब मैं लिप के जो ये वाला पार्ट है कॉर्नर वाले पार्ट में और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, तो और भी ज़्यादा 3D लुक आएगा। कॉर्नर में यहाँ पे भी थोड़ा डेप्थ है, तो प्रेशर का अप्लाई करके डार्क कर लेते हैं। लिप्स के नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया है, तो यहाँ पे भी हैचिंग कर लेते हैं।
सो गाइज लिप्स ड्रॉ हो चुके हैं, तो इसी तरह से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस उस बीच में आप शाइन जरूर करना, अगर कहीं पे शाइन है तो वहाँ पे आप जगह छोड़ सकते हैं। और हैचिंग करना भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से आप हैचिंग कर सकते हैं। अगर आपने इसके नोज़ और आइज़ का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप कंप्लीट फेस पे हैचिंग करके दिखा दूंगा किस तरह से आप कंप्लीट फेस पे हैचिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।